आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सोनिया गांधी ने भविष्य में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी मोबाइल फोन लेकर आने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कांग्रेस की सामान्य बैठकों में भी मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा। सूत्रों ने बताया कि इससे बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों की गोपनीयता सुनिश्चित होगी। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने यहां शनिवार को पार्टी के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक की खबरें भी तुरंत लीक हो गई थी। इस बैठक में आर्थिक सुस्ती, RCEP, किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी और यह सभी जानकारियां कुछ ही क्षणों में लीक हो गई थी। इन दिनों पार्टी में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के अलावा आने वाले लोकसभा सत्र को लेकर कई अहम मुद्दों पर बैठकें हो रही हैं और ऐसे में इनकी गोपनीयता बनाए रखना अहम माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीफ खाने वालों को कुत्ते का मांस भी खाने की सलाह दी है। घोष ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी सड़क पर बैठकर बीफ खाते हैं, मैंने उन्हें कुत्ते का मांस खाने का भी कहा है, उनकी सेहत अच्छी रहेगी चाहे वे किसी भी जानवर को खाएं, लेकिन सड़कों पर क्यों, अपने घर पर खाओ। वर्धमान में आयोजित गोपा अष्टमी कार्यक्रम के दौरान घोष ने कहा कि गाय हमारी माता है, हम गाय का दूध पीकर जिंदा रहते हैं, तो कोई अगर मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करेगा मैं उसके साथ ऐसे पेश आऊंगा जैसा उनके साथ आना चाहिए। भारत की पवित्र भूमि पर गाय को मारना और बीफ खाना अपराध है। घोष अपने विवादित बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के मामले को बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने बहुत गंभीरता से लिया है। दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन अचानक जाग गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात, उसके बाद दिल्ली से बीजेपी ने मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अलर्ट किया। दिल्ली से फोन पर निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल लालजी टंडन के सामने अपनी बात रखी और कहा जो काम राज्यपाल का है वो विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। उन्होंने लोधी की सदस्यता गलत तरीके से खत्म की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उन्होंने इनको हटाया, तो 191 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही आया, तो मूल है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 191 ई में जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय करने का अधिकार आर्टिकल 192 में दिया गया है। 191 में किसी को अधिकार नहीं, लिखा कौन कौन सी चीज डिस्क्वालीफाई। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिवृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई। प्रदेश में बीजेपी के 28 सांसद हैं और एक ने भी राहत राशि की मांग नहीं की। सांसद राशि मांगने के बजाय नौटंकी में लगे हैं। मुल्तई विधानसभा का भावनात्मक मुद्दा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने में घुसकर मारपीट की, आतंक के कारण आरोपियों को भगाया गया। बेईमान लोग किस मुंह से बात करते हैं। बीजेपी वालों ने सिर्फ घोषणा की, वो आज तक पूरी नहीं हुई। कलंकित एमपी को शिवराज ने कमलनाथ के हाथों सौंपा था। सीएम कमलनाथ अच्छे काम करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कलंकित कर दिया था आत्महत्याओं के मामले में, हिंदुस्तान में पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना दिया था कि सबसे ज्यादा कर्जे के कारण मध्य प्रदेश में 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में आत्महत्या किसानों ने की थी। ऐसे कलंकित मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी के हाथों में सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की जिसके कारण किसानों की आत्महत्या रुकी। पांसे ने कहा कि एमपी में औद्योगिक नीति के तहत सीएम ने पहले उद्योगपतियों के लिए विश्वास तैयार किया, मैग्निफिसेंट एमपी उसकी वानगी थी। अब उसी के तहत वो दुबई दौरे पर हैं, उद्योगपतियों से बात करेंगे। पांसे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने से जनता का पेट नहीं भरता, जनता के लिए काम करना पड़ता है। झाबुआ की जनता ने बता भी दिया है कि लोगों का कमलनाथ सरकार पर विश्वास है।
भाजपा विधायक कमल पटेल ने राहुल गांधी और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दिया है। कमल पटेल बीजेपी की जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर वो जोश में आ गए और मन से ही राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार को लेकर विवादित बयान दे दिया। कमल पटेल ने कहा कि राहुल ने कर्ज माफी ना करके 130 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया है, इसीलिए उन्हें अपने नाम के आगे से गांधी शब्द हटा लेना चाहिए। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर 50 साल तक राज किया और गरीब जनता को गरीब रहने दिया, वो गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी नाम हटाओ, वो तुम्हारा असली जो नाम है तुम्हारे बाप दादा के दादा का, वो खान वो लिखो, विरोध खान की औलादो, गांधी जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये हमारा गांधी जी है भारत के, तुम्हारे बाप के दादा के नहीं है। तुमने इनके नाम पर 50 साल राज किया और देश की जनता को गरीबी में रखा, उनके लंगोट भी दिला दी, उनके नाम का पैसा कांग्रेस के नेताओं की जेब में आया। जन आक्रोश रैली के बाद हरदा के परशुराम चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। भाजपा विधायक कमल पटेल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की। नीमच में मनासा से बीजेपी विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने विवादित बयान देते हुए कहा कि किसानों से कोई कर्ज का पैसा लेने आए तो कांग्रेसी उसका पैसा भरे, नहीं तो दो जूते। विधायक ने कहा, मैं खुलेआम कह रहा हूं, सब खा खा कर नींद में बैठे हुए हैं, जब तक ऐसा नहीं करेंगे कोई नहीं सुधरेगा। सभी गांव वालों को कांग्रेसियों को पकड़कर उनसे कर्ज के पैसे भरवाने चाहिए। किसानों का अब तक कर्ज माफ नहीं हुआ है, कांग्रेस ने किसानों को ठगा है। माधव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। कि मेरे मुआवजा कब क्या हुआ? बोले तेरा कौन सा मुआवजा, पहले तो ठूक पेनल्टी के साथ पेशा किया उसको। अब किसान क्या जा रहे किसके आगे अपना रोना रोए? मेरा निवेदन है गांव गांव में किसान पकड़ लें कांग्रेसियों को, भरे वो पैसे, ये तो दे झूठे बिल्कुल, ये खुली घोषणा है। यहाँ पे तो परिवर्तन ये आया कि पुलिस के खिलाफ पहले कुछ बोले, कुछ बोले कांग्रेसियों के खिलाफ बोलो, सब काम वही कर रहे। अनिरुद्ध माधव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पुलिस वालों के कंठ पर भी बैठ गए हैं और पुलिस के हिस्से का भी खा रहे हैं। पुलिस की स्थिति यह है कि उनकी पैंटें ढीली हो गई हैं, अफीम डोडा चूरा व रेत के डंपर के पैसे भी यह लोग खा रहे हैं। हालांकि बाद में विधायक अपने बयान पर सफाई देते भी नजर आए। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा, किसान राहत राशि की मांग ना करें उनका ध्यान हट जाए, इसलिए कांग्रेस सरकार के धरना प्रदर्शन की बातें कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को राहत राशि देने से बचा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मंत्रियों से कहा कि इधर उधर की बातें ना करें, पीड़ित किसानों को राहत राशि दें, सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, इतना टैक्स आता है कहाँ जाता है वह टैक्स का पैसा। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर के कहा कि अब सरकार कह रही है कि किसान बैंकों का पैसा जमा कर दें, बाद में उनको धीरे धीरे वापस मिल जाएगा, सरकार यह ठीक नहीं कर रही। कहते खजाना खाली कर दिया, अब खजाना कोई औरंगजेब का कि लूट के ला के रख लिया और बाद में खर्च कर दिया। टैक्स आता है, टैक्स हर महीने आता है जनता का, वही टैक्स खर्चा करते हैं, कहाँ जा रहा पैसा? और जब हम मुआवजे की बात करते हैं तो खुद धरना देंगे डाइवर्ट करने के लिए। बिजली के बिल मार रहे हैं लोगों को, बिजली के बिल मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि नियमित कर लो, बाद में फिर मैं देख लूँगा। विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और विज्ञापन में लिखा जा रहा पहले पैसे जमा कर दो, बाद में वो कर्ज माफी की पात्रता खत्म नहीं होगी। ये कौन सा तमाशा कर रहे हो कमलनाथ? शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को बैंक से नोटिस दिए जा रहे हैं, परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की नई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाया जा रहा है, आहतों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बैठकर पीने की व्यवस्था बनाई जा रही है। चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का लाभ ही हितग्राहियों को देना बंद कर दिया है, विद्यार्थियों की फीस भरी नहीं जा रही है, बिजली के बिल बढ़ा कर दिए जा रहे हैं। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिना मालिक फौज की तरह है,
कांग्रेस में कौन क्या बोल रहा है उन्हीं को नहीं मालूम रहता। कमलनाथ सरकार में एक मंत्री कहते हैं कांग्रेस में संगठन ठीक नहीं है। मंत्री इमरती देवी कह रही हैं ट्रांसफर में पैसे लगते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही सब ठीक है। सरकार के एक मंत्री उमंग सिंघार कहते हैं दिग्विजय सिंह सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। विधायक शुक्ला कह रहे हैं कि बिना पैसे कार्य नहीं किया जा रहा। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी ने कर्ज माफी का गलत बयान दिया, माफी मांगनी चाहिए। संसदीय मंत्री ने जनता से माफी मांगी है कि वो अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे। दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी बोले थे कि राहुल गांधी को कर्ज माफी नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश में माफी मांगना चाहिए। उधर गोविंद सिंह जी ने जनता से माफी मांगी कि हम अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए। शुक्ला जी विधायक हैं, वो कहते हैं कि बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता। मंत्री इमरती देवी कहती हैं ट्रांसफर में तो पैसे लगते हैं। कुछ तो भी बोल रहा है। शंकर भगवान की बारात है, बिन पद चले सुने वन माना, कर विध कर्म करें विध नाना। सुखदेव पांसे के बीजेपी सांसदों पर निशाना साधने पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता के लिए कुछ किया नहीं, मुआवजा दिया नहीं, सर्वे कराया नहीं और अपनी कमियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के नाले में उतरकर सफाई करने पर विपक्ष के आरोपों को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने गलत बताते हुए कहा कि मंत्री का यह सराहनीय कदम है। अगर उनको लगता है कि इससे सफाई व्यवस्था सुधरेगी तो यह अच्छा है। संजय दुबे ने कहा जो लोग इसको गलत समझ रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। गौरतलब है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने सफाई व्यवस्था से नाराज होकर शहर में सफाई अभियान शुरू किया है। तोमर ने खुद ही नाले में घुसकर नाले की सफाई की थी, जिसके बाद ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सफाई अभियान पर सवाल खड़े करते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर के स्वच्छता अभियान को दिखावा करार दिया था। हमारे माननीय मंत्री जी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनको लगता है कि उससे अच्छा तरीके से काम हो सकता है, निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है। मैं तो इसे गलत नहीं मानता हूँ। जो लोग ये समझ रहे हैं और कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हर काम एक ही तरीके से हो ऐसा नहीं है, हर एक काम कराने के कई तरीके हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब घर पर डॉक्टर जानवरों को देखने जाएगा तो ₹100 फीस लगेगी। 1 नवंबर से मंत्री लखन सिंह यादव ने इस व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है। इससे सरकार को कुछ आय भी होगी और लोग फिजूल पशुपालन विभाग को परेशान नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर इन डॉक्टर्स की जरूरत पशुपालकों को होती है और ये सेवा पहले निःशुल्क हुआ करती थी। इस मसले पर सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। हमने कहा ₹100 हम चार्ज इसके लिए कर देते हैं और ₹100 चार्ज से कम से कम ये तो होगा जो व्यक्ति ₹100 देगा जेब से तो वो गलत कॉल नहीं करेगा। बीजेपी को तो हमारी हर योजना पे आपत्ति होती है। इस समय विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। सरकार के हर फैसले पर उसे खामी नजर आ रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। मिश्रा का कहना है कि क्या अब इस तरह पैसा इकट्ठा करके सरकार चलेगी। गौओं पे ₹100 लगा दिया आज, गाय के पैसे से सरकार चलाएंगे। कुछ दिन हवाई जहाज खरीदी रोक दो, थोड़े दिन के लिए विधान परिषद बनाना रोक दो, पैसा अगर नहीं है तो गाय के पैसे से सरकार बन रही है, सरकार चल रही है। छतरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। सिविल लाइन पुलिस ने इस चोर गिरोह के 3 सदस्यों से चोरी की 19 मोटरसाइकिल जब्त की है। चोरों के पास से 5 मोटर पंप के साथ 3 बैटरी बरामद हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल ले जाते वक्त चोर गिरोह को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में इन्होंने छतरपुर, हरपालपुर, नौगांव, खजुराहो और यूपी के महोबा से बाइक चोरी की बात कबूली की है। पुलिस चोर गिरोह को रिमांड पर लेकर चोरी की और घटनाओं के खुलासे की बात कह रही है। तौर से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है टीम ने, उसमें थाना प्रभारी, CSP, एडिशनल SP सभी लोगों ने बहुत अच्छा टीम भावना के रूप में काम करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी है। और इसमें टीम के सदस्यों को मेरे द्वारा नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और इन आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर के पुनः पूछताछ की जाएगी ताकि और भी इनसे कुछ बरामद। ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परेशान व्यापारी कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की गाड़ी के सामने लेट गया। बाल भवन में PS के साथ बैठक करने के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे ही अपनी गाड़ी में सवार होकर रवाना होने लगे, उसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने
हरी सोनी नाम का एक बुजुर्ग व्यापारी लेट गया। व्यापारी को रोते बिलखते अपनी गाड़ी के सामने लेटा देख मंत्री जी ने उसे बुलाया। व्यापारी हरी सोनी ने रोते हुए मंत्री को अपना दुखड़ा सुनाया। कोई सुन नहीं रहा था, उसे बेचारा खड़ा था। मैं तो है ना चल जाना, मैं कब मैंने जी ने कहा मेरे को तो जैसा नहीं, मैं तो तुम्हारी सुनूंगा, मदद करूंगा। मैं तो बहुत डर के हूं, मैं क्या करूं। आराम से बात कर लेना, आधे भाड़े पे से हटा जाते हैं, आधे से पैसा लिया जाता, उनको लगवाया जाता। व्यापारी के मुताबिक वो महाराज बाड़ा पर कपड़े की दुकान लगाता है। दो दिन पहले नगर निगम के अधिकारी शशिकांत शुक्ला ने उनकी दुकान का 30,000 रुपए कीमत का सामान जब्त कर लिया। मिनते करने के बाद भी अधिकारी ने कपड़ा वापस नहीं लौटाया। परेशान व्यापारी को कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मदद देने का भरोसा दिलाया है। अंबिकापुर नगर पालिका निगम अब अपने नए भवन को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बनाने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया। नगर पालिका निगम की यह नई इमारत लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। अभी अंबिकापुर नगर निगम पानी की टंकी के नीचे संचालित है। अब नए भवन के भूमि पूजन होने के बाद, जल्द से जल्द नए भवन के निर्माण होने के बाद अंबिकापुर नगर निगम एवं आकर्षक रूप में नजर आएगा। भूमि पूजन समारोह में आए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के सहयोग से नगर निगम की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के लिए और अंबिकापुर नगर निगम विशेष के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है कि हमारे प्रभारी मंत्री भी और विभाग के मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी के पूर्ण सहयोग से नगर निगम अंबिकापुर को उनके बहुप्रतीक्षित नवीन कार्यालय के लिए एक स्थायी भूखंड और स्थायी भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी मिली। आज उसका भूमि पूजन हम सब ने मिल के किया। ये केंद्र हम लोग चाहेंगे कि ना केवल एक सुंदर और सुलभ प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो, अपितु सभी नागरिकों का ध्यान यहाँ से रखते हुए बेहतर से बेहतर नगरीय निकाय की सेवा देने का ये प्रमुख केंद्र बनेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।